नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बॉयलर में क्लिंकर फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है और क्लिंकर फॉर्मेशन होने का मेन रीज़न क्या है, तो डिटेल्स में देखेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा बॉयलर में क्लिंकर फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, क्या रीज़न होता है उसका। तो जनरली जो हम मतलब बॉयलर में क्लिंकर फॉर्मेशन होता है हमारे, वो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो आपके कोल में जो कुछ नॉन कम्बस्टिबल एलिमेंट होते हैं, ठीक ना, कोल में, जैसे कि आपका आयरन हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है एंड सोडियम, ठीक। ये जो आपके नॉन कम्बस्टिबल एलिमेंट है ना, ये जब आपका इंटरेक्ट होते हैं आपके मतलब को सल्फर और कार्बन से, ठीक, ये जो नॉन कम्बस्टिबल आपके एलिमेंट हैं, ये जो कोल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, ये जब आपका इंटरेक्ट होते हैं सल्फर और कार्बन से एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब वो इंटरेक्ट होंगे हाई टेम्परेचर पे तो एक दूसरे के साथ मिल के वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, या फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक। मेल्ट और फ्यूज़ होके क्या करते हैं, फिर वो एक पेस्टी फॉर्म बनाते हैं, ठीक, जो कि हमारा क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्लिंकर बोलते हैं, ठीक। क्लिंकर को हम स्लैग भी बोलते हैं, स्लैग। और ये आपका लावा के जैसे होता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उस टाइप का होता है। और ये जो आपका बॉयलर है, बॉयलर के हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ही बनता है। जो आपका क्लिंकर है वो हाई टेम्परेचर वाले ही एरिया में बनता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो कोल है, तो कोल में जो आपकी ये जो नॉन कम्बस्टिबल एलिमेंट हैं, तो इनका जैसी मतलब मान लीजिए इनका जो फ्यूज़न टेम्परेचर है वो मान लीजिए अराउंड 1400 डिग्री सी होगा, ठीक। तो जैसे ही उसके ऊपर आपका टेम्परेचर गया या फिर 1400 डिग्री सी तक गया, तो क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होकर फिर क्या होगा, वो कोल के साथ पेस्टी मतलब कोल के साथ चिपकने लगेगा और चिपक के एक पेस्टी फॉर्म बना लेगा, जो कि बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक, बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो अगर क्लिंकर फॉर्मेशन से क्या है, ये बहुत ही मतलब सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है बॉयलर में। आपका जो बॉयलर है वो लंबे टाइम के लिए शट डाउन के लिए जा सकता है, ठीक। तो एक बहुत ही मतलब सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है अगर क्लिंकर फॉर्म होता है तो, ठीक, आपके बॉयलर में। तो जो मेजर प्रॉब्लम होता है आपका क्लिंकर फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, ओवर फायरिंग, ठीक। ओवर फायरिंग क्यों होता है मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि मान लीजिए कि हमें जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है, ठीक, हम उससे ज़्यादा ही फीडिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो बेड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका फ्यूज़न टेम्परेचर है उससे वो टेम्परेचर ज़्यादा चला जाएगा या फिर उसके बराबर आ जाएगा, जिससे कि हमारा क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो जो सबसे मेजर का मतलब रीज़न है आपका क्लिंकर फॉर्मेशन का, वो ओवर फायरिंग होता है, ठीक। और तो इससे हमें क्या मतलब वो करना है कि जो ओवर फायरिंग है वो हमें नहीं करना है। जितना हमें रिक्वायर्ड फ्यूल चाहिए हमें उतना ही फीडिंग देना है फ्यूल का, हमें ओवर मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं देना, ओके, प्रॉपरली मतलब हमें जितना एडजस्ट करके, जितना फ्यूल चाहिए उतना ही एडजस्ट करके हमें फ्यूल चलाना है, उससे ज़्यादा फ्यूल नहीं देना है। और एक क्या होता है कि आपने मतलब प्रॉपर मतलब जितना फ्यूल चाहिए आपको उतना तो दिया, बट अगर मान लीजिए कि आपने जो प्राइमरी एयर है और सेकेंडरी एयर है वो भी प्रॉपर नहीं दिया ना, और प्रॉपर रेशियो में नहीं दिया कम्बशन के लिए, तो क्या होगा, उसमें भी आपका किसी जगह पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किसी मतलब बॉयलर में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक ना, बेड का, जिससे क्या होगा आपका अगेन क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। तो कुछ रीज़न बताता हूँ मैं आपको जो कि मतलब आपका क्लिंकर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला है आपका एज फ्यूज़न टेम्परेचर लो, ठीक। अगर मान लीजिए आपका एज फ्यूज़न टेम्परेचर लो है तो उस कंडीशन में भी आपका क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। कैसे, कि मान लीजिए आपका एज फ्यूज़न टेम्परेचर जो है मान लीजिए कि वो 1200 है, ठीक ना,
1200 डिग्री सी है, अगर मान लीजिए 1200 है और अगर आपके बेड का टेम्परेचर मान लीजिए 1200 चला गया, इन केस मान लीजिए चला गया, तो क्या होगा अगेन वो आप क्या होगा आपका जो एस है वो फ्यूज़ होगा, वो मेल्ट होने लगेगा उस कंडीशन में। ठीक, जनरली तो क्या होता है ये एस जो है वो सॉलिड होता है, ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सी तक जाएगा, उसके फ्यूज़न टेम्परेचर तक जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक, तो फिर आपका क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पर। और नेक्स्ट रीज़न है फ्यूल फीडिंग रेट हाई, फीडिंग रेट हाई, जैसा कि पहले ही मैंने बताया आपको कि अगर ओवर फायरिंग करते हैं फिर फ्यूल फीडिंग जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका क्लिंकर फॉर्म होगा ही होगा। ठीक, और नेक्स्ट है आपका एयर क्वांटिटी इज़ नॉट सफिशियंट, क्वांटिटी इज़ नॉट सफिशियंट। अगर मान लीजिए जो आप एयर सप्लाई कर रहे हैं कम्बस्चन के लिए, अगर वो सफिशियंट नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपका क्लिंकर फॉर्म होगा। ठीक, और नेक्स्ट है आपका फ्यूल फीडिंग इज नॉट मिक्स्ड प्रॉपरली। अगर मान लीजिए कि जो आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके बेड पे जो फ्यूल आ रहा है, मतलब तो अगर मान लीजिए उसका प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो तो क्या होगा किसी एक जगह पे आपका ज़्यादा फ्यूल रहेगा। मान लीजिए आप ये आपका एक बेड है, ठीक, इस पे आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल है तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा है तो ज़्यादा जलेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा कि इस एरिया में आपका क्लिंकर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हम फ्यूल फीडिंग दे रहे हैं उसका प्रॉपर मिक्सिंग करते रहना चाहिए। ठीक ना, मतलब प्रॉपर मिक्सिंग के लिए फिर क्या चाहिए आपको, प्रॉपर एयर रिक्वायर्ड, मतलब मिक्सिंग के लिए, बबलिंग के लिए, आपको फ्लूडाइजेशन के लिए जितना एयर चाहिए उतना एयर हमें प्रॉपर देना पड़ेगा। ठीक, अदरवाइज़ क्या होगा फिर आपका क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, एक्सेस चारकोल फीड ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड एफ डी एयर नॉट सप्लाई, सफिशियंट एयर, सफिशियंट एयर। फिर यहाँ पे मतलब वही एयर वाली बात हो रही है कि मान लीजिए कि जब आपका बॉयलर लाइट अप होने वाला है उस समय आपने एक्सेस चारकोल डाल दिया, ठीक, एक्सेस चारकोल डाल दिया, ठीक है, बट अगर आपने एफडी का सफिशियंट एयर मतलब सप्लाई नहीं किया उसको कम्बशन के लिए, तो क्या होगा वो तो वो वाला पार्ट जलेगा नहीं, धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका वो मतलब उसका फ्यूज़न टेम्परेचर पार कर जाएगा और क्या होगा आपका क्लिंकर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो जो हमें क्लिंकर फॉर्मेशन से बचने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले कि हमें जो जो कोल यूज़ करना है, जो कोल यूज़ करना है, कोल का जो एस फ्यूज़न टेम्परेचर हो वो हाई होना चाहिए। ठीक, एस फ्यूजन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और जो हमें फ्यूल फीडिंग कर रहे हैं मतलब ओवर फीडिंग या ओवर फायरिंग नहीं कर रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी फीडिंग। ठीक, जितना हमें रिक्वायर्ड है जितना डिमांड है उतना ही हमें फीडिंग करना है, अगर ओवर फायरिंग करेंगे तो आपका क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और एयर क्वांटिटी जो हमें चाहिए जितना रिक्वायर्ड है वो भी हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना देना है हमें, कम नहीं देना है। ठीक, और जो फ्यूल फीडिंग कर रहे हैं उसका मिक्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपरली मिक्सिंग होना चाहिए। ठीक, जो हम फ्यूल फीडिंग दे रहे हैं आपके बॉयलर में वो फ्यूल मतलब प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए। ठीक, अगर मिक्सिंग नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा क्लिंकर फॉर्मेशन होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। और जो ये है मतलब कि आप जब लाइट अप कर रहे हैं उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि एक्सेस चारकोल नहीं डालना है, अगर एक्सेस चारकोल हो भी गया है तो हमें मतलब एफडी का एयर सफिशियंट एफडी एयर सप्लाई करना है ताकि उसका जो कम्बशन हो प्रॉपर हो जाए। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि क्लिंकर फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी रेमेडीज़ क्या है, मतलब किस किस
किस मतलब क्या करके आप क्लिंकर फॉर्मेशन होने से अपने बॉलर को बचा सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।